मैंने यार गाइज इतना ज्यादा नौटंकी नाटक किया होप टॉक के मंच पर जाके, इतना ज्यादा डिमोटिवेट टाइप का लगता है कभी कभार कि लगता है सुसाइड कर लूं, कि लोगों ने मुझे भर भर के सब्सक्राइब किया, भर भर के लाइक किया, कमेंट्स किया। यार मेरे पापा सब तो बोलबे करते हैं कि ये लड़का भीतर में घुस के क्या बोलता है, क्या वीडियो बनाता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। कैसे आप नाटक करके होप टॉक के मंच पर जा सकते हो, कैसे आप अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो होप टॉक के जरिए से, कसम से बोल रहा हूँ इतना ज्यादा नौटंकी बाजू ना, कसम से बोल रहा हूँ नौटंकी नाटक करके मैंने सिर्फ होप टॉक के मंच पर होप टॉक के जरिए से मैंने नाटक करके सिर्फ दो दिन में 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन किया। कसम से बोल रहा हूँ 10,000 सब्सक्राइबर्स मैंने होप टॉक के मंच पर जाकर नाटक करके। गरीब ऐसे होता है यार, गरीब देख लो ऐसे होता है, ऐसे सेटअप कोई गरीब ऐसे होता है, गरीब यूट्यूबर को आपने देखा नहीं यार, इतना ज्यादा गरीबी होता है। कभी आपने इंस्टाग्राम को, मैंने आपने अगर मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके रखा होगा, इंस्टाग्राम के जितने भी फोटोज होगी वहां पर आपको नजर आया होगा, कभी अपाची बाइक पर बैठा हूं, कभी बुलेट बाइक पर बैठा हूं। यार गरीब इसको बोला जाता है। इतना खाली मैंने नौटंकी किया, नाटक किया मैंने सिर्फ सब्सक्राइबर्स पाने के लिए। अगर आप एक क्रिएटर हो तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा, भाई साहब कैसे आप नाटक करके होप टॉक के मंच पर जा सकते हो, कैसे आप अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो होप टॉक के जरिए से, अगर आज की आपने वीडियो नहीं देखी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ गधे की माफी, सिर्फ गधे की तरह मेहनत करते रह जाओगे और कुछ नहीं होने वाला है। 5 साल 4 साल 10 साल आप मेहनत करते जाओगे, 10,000 वीडियोस अपलोड कर दोगे तो पर भी आपका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसमें अगर माइंड लगाते हो, दिमाग लगाते हो, जैसे मैंने माइंड लगाया, नाटक किया जाके, एकदम नौटंकी दिखाई, एकदम फुल फाइनल स्क्रिप्टेड नौटंकी मैंने किया होप टॉक के मंच पर, जिससे मुझे किया लोगों ने इतना ज्यादा इमोशनल में कर दिया लोगों को, कि लोगों ने मुझे भर भर के प्यार दिखाया, भर भर के कमेंट्स किए और भर भर के सब्सक्राइब भी किया, 10,000 सब्सक्राइबर्स। सोच के देखते हो यार, एक्टिव सब्सक्राइबर्स मुझे वहां से मिला। ठीक है, अगर आपने आज की वीडियो छोड़ दी तो आपका कुछ नहीं होने वाला। सो गाइस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को, वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, और हमारी जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन हो बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैंने नौटंकी की, ठीक है, मैंने नौटंकी की, नाटक दिखाया होप टॉक पर। आजकल क्या होता है ना कि अगर आप नौटंकी करते हो, नाटक दिखाते हो किसी भी मंच, होप टॉक तो छोड़िए, तो कुछ भी आप नौटंकी यूट्यूब पर अगर मान लो स्क्रिप्टिंग करोगे, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज दैट अगर रियल कोई वीडियो रहती है तो रियल में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, और वहीं दूसरी ओर स्क्रिप्टिंग कर दो, नौटंकी दिखा दो, रोंदड़ू रो दो, पूरा रो दो, एकदम इतना ज़्यादा रो दो कि लोग आपको वहीं दूसरी ओर सपोर्ट करेंगे, प्यार दिखाएंगे कि ये इतना गरीब है, इसको सपोर्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो गाइज काफ़ी सारे लोगों ने मुझे प्यार दिखाया, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पॉजिटिविटी बोली, काफ़ी सारे लोगों ने नेगेटिविटी बोली, ठीक है, लेकिन गाइज कुछ लोग, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई आप नौटंकीबाज हो, नौटंकी किया और नाटक करके आप होप टॉक के मंच पर गए, एंड आपने कितने सब्सक्राइबर्स गेन किए, कितने सब्सक्राइबर्स आपने होप टॉक के जरिए प्राप्त किया, बोलो, नौटंकी करके, नाटक करके, आप तो गरीब दिखते ना। भाई साहब एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने नाटक कुछ नहीं किया, ठीक है, रियलिटी में आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने नाटक कुछ भी नहीं किया यार। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल पर आप प्रेजेंट टाइम में देख लो, अभी जाके प्रेजेंट टाइम में मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं कैसे कैसे वीडियोस अपलोड करता था, ओल्ड वीडियोस को जाके देख लो, ओल्ड वीडियोस को मेरे चैनल को ओपन करके जाके देख लो, ओल्ड वीडियोस को मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ वीडियोस शूट करता था। ठीक है, मेरे पास ये जो आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो ना, ये आप बोल रहे हो कि यार तेरे पास तो पक्का घर है, ये एक्चुअली में कोई पक्का घर नहीं है, ये पीएम आवास है, जिसको बोला जाता है मोदी पीएम द्वारा आवास, जो कॉलोनी घर जिसको बोला जाता है देहाती में, वो मेरे यहाँ सरकार के द्वारा दिया गया था, जिसके कारण मैंने क्या किया, सरकार के द्वारा जो पीएम आवास आती है, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने छोटा मोटा, मैं वीडियोज पहले दूसरे जगह शूट करता था, लेकिन यहाँ छोटा मोटा खर्चा वर्चा करके ये कर दिया। ठीक है, सो गाइज काफी लोग कमेंट्स करते हैं, कोई नेगेटिविटी फैलाती है, कोई पॉजिटिविटी फैलाती है कि नौटंकी करके, नाटक करके आप होप टॉक के मंच पर गए, आपने कितना सब्सक्राइबर्स गेन किया। गाइज एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपका कंटेंट बढ़िया है, ठीक है, आपकी कंटेंट क्वालिटी बढ़िया है, आपको होप टॉक जो बोलोगे ना, आप चल जाओगे मुंह उठा के और आपके चैनल को प्रमोट कर देंगे, आप अपनी लाइफ स्टाइल को बताओगे कि मैं गरीब हूं, मैं ये हूं वो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्तों। ठीक है, एक्चुअली में
आज की जो रियलिटी है वो ये है कि अगर आप नौटंकी करते हो, आज आप स्क्रिप्टिंग करते हो या फिर रोनरू रोते हो, तो आपको सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन सपोर्ट कैसे मिलता है? अगर आपका जेन्युइन, वो आपका जेन्युइन मतलब जैसे कि आप गरीबी दिखा रहे हो, अगर जेन्युइन में आप गरीब हो भाई साहब, तो ही आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो गाइस यही बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ भी ऐसा कोई मतलब बात नहीं है, मैं कोई भी बोलोगे ना रईसी आदमी ज़्यादा नहीं हूँ, ठीक है। मेरा ये जो पीछे घर देख रहे हो, ये बैकग्राउंड जिस पे मैं बनाया हूँ, ये कॉलोनी घर है। और मैं अपने YouTube चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड किया, आज से नहीं, काफ़ी मेरे ओल्ड, अगर आप सब्सक्राइबर्स हो गए, नहीं तो बेसिकली तो नहीं हो गए, लेकिन मेरी ओल्ड वीडियोस को जाकर देख लो, कहाँ कहाँ मैं वीडियोस को शूट करता था, कैसे कैसे मैं वीडियोस बनाता था, ठीक है। और आज मेरे इस चैनल के अलावा और काफ़ी सारी चैनल्स है जिसपे मैं मेहनत कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, सिर्फ ये चैनल नहीं है, ठीक है, जिसपे मैंने उन सब चैनल्स पे करीबन सब चैनल को मिलाओगे करीबन 2500 वीडियोस हो जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, 2500, इतनी सारी वीडियोस मैंने क्रिएट किए, बनाई अपने दम पर, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ जो नेगेटिविटी फैलाते हो, प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाओ भाई, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफल एंड सपोर्ट मिलेगा, और मेहनत नहीं करोगे भाई साहब तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते रह जाओगे, बुरा करते रह जाओगे, और बाद में क्या होगा, अंत में आपके साथ ही बुरा होगा, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ ऐसे नेगेटिविटी मत फैलाओ, और अगर आप एक क्रिएटर हो तो प्लीज़ अपने आपके कंटेंट पर फोकस करो, अपने आपके यूट्यूब चैनल पर फोकस करो, जिसके कारण से आपको बढ़िया सपोर्ट मिले आगे जाके। सो गाइज उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। मैं कोई भी बोलोगे ना, कोई भी जो मतलब गरीब टाइप का हूँ, तो गरीब बेसिकली हुई है, ठीक है यार, कोई भी रईसी टाइप का नहीं हो, और मैं जो भी जो बोलते हैं कि होप टॉक पे जाकर आपने रोंदड़ू रोया, आपने नौटंकी किया, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, मैंने दिल से बोला जो भी बोला, मैंने होप टॉक के मंच पर गया, मैंने जो भी बोला दिल से बोला, मैंने कैसे कैसे स्ट्रगल्स किए अपने यूट्यूब चैनल्स पर। अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ अभी यहाँ, तो वहाँ पर मेरे आंगन में जो भी मेरे भाभी सब हैं, मेरे मम्मी सब हैं, वो भी अभी कुछ ना कुछ तो बोल रहे होंगे कि यार क्या कर रहा है अंदर में। तो मैं कोई रियलिटी जो बोलोगे ना, मैं रियलिटी छुपा के नहीं रख रहा हूँ, मैं रियलिटी सब पेश कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे क्रिएटर नेगेटिविटी फैलाते हैं, प्लीज़ ऐसा ना फैलाएं, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे YouTube चैनल को चेक करो, मैं अगर मेहनत नहीं करता हूँ, मैं अगर अच्छी से अच्छी वीडियो नहीं लाता हूँ, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट नहीं दिखाना, ठीक है। सो गाइज उम्मीद करता हूँ छोटी जानकारी आप लोग अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ आप लोग काम करें अपने YouTube चैनल पर, आपको भी होप टॉक के मंच पर जाने का मौका मिलेगा अगर आप बढ़िया काम करोगे तो। सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।